तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर मार्केट वाला ही ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा आपको क्लियर किया जाएगा, जो कि दोस्तों रहेगा ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा 48 वोल्ट 20 एम्पीयर का। दोस्तों इसमें हम दोस्तों दो तरीके से डाटा क्लियर करेंगे, जो कि रहेगा दोस्तों हमारा ये मैनुअल में रहेगा और दूसरा रहेगा हमारा ऑटोमेटिक में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कुछ चीजें ऐसी भी खास जानने वाले हैं जिनको सोचकर दोस्तों आपको समझकर और बहुत अच्छे से काम को करना है दोस्तों, मतलब कि इसको जो बनाएंगे उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में भी रखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो दिखाएंगे उसको आप अगर नहीं भी देखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि दोस्तों मेन चीज जो हमारी आ रही है, जो कि हम बोल रहे हैं दोस्तों, इसको समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। अगर इसको आप नहीं समझेंगे अच्छी तरीके से या वीडियो को आप पूरी तरीके से अगर नहीं देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आप इसमें कुछ भी अपना नुकसान कर बैठेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, तो भी दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले और समझने से पहले हम इस चीज को पहले यहां पर क्लियर कर लेते हैं कि यह आखिर किस चीज का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा है। दोस्तों यह है हमारा ई रिक्शा बैटरी चार्जर का, ई रिक्शा बैटरी चार्जर जो कि है दोस्तों हमारा ये 48 वोल्ट और 20 एम्पियर का। दोस्तों इसमें दोस्तों हम दो तरीके से डाटा को क्लियर करेंगे, एक जो रहेगा हमारा मैनुअल में रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑटोमेटिक में। दोस्तों दोनों ही डाटा हम इस वीडियो के अंदर बहुत एक अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की जीरो वाली लूप, मतलब कि यह है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और यह है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों, और यह है दोस्तों हमारी 220 वोल्ट की वाइंडिंग, जो कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है वो है 220 वोल्ट की। ये जो डाटा है दोस्तों ये अभी हम ऑटोमेटिक में क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों ये है दोस्तों हमारी जीरो वाली लूप सेकेंडरी वाइंडिंग की, और ये है हमारी 12 वोल्ट की एक सप्लाई। दोस्तों दोस्तों ये 12 वोल्ट की सप्लाई क्यों निकाली गई है वो हम आगे आपको क्लियर करेंगे। ये है दोस्तों हमारा जीरो वाला लूप और ये है हमारी 48 वोल्ट की वाइंडिंग। दोस्तों दोस्तों ये है हमारी 48 वोल्ट की और अभी हमने इसके टर्न्स अभी नहीं निकाले हैं। अब हम दोस्तों इसके पहले टर्न्स को निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम और भी खास चीजों को जानेंगे। अच्छी तो दोस्तों हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो 220 वोल्ट के लिए जो हम टर्न्स देंगे वो हम यहाँ पर देंगे 200 टर्न, मतलब कि 200 टर्न। दोस्तों अब हम दोस्तों जो कि हमारी 12 वोल्ट की जो सप्लाई है इस सप्लाई को पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो सप्लाई है दोस्तों अगर आप एक बैटरी चार्जर बना रहे हैं दोस्तों तो उसमें जो एक फैन की जरूरत पड़ती है तो आप उस फैन को इस सप्लाई से ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कि जो उसमें फैन लगेगा दोस्तों उस फैन को चलाने के लिए हम इस 12 वोल्ट की सप्लाई से उसको चला सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों इस 12 वोल्ट का जो था वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए दोस्तों अभी हम इसके टर्न्स को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों तो दोस्तों हम जो 12 वोल्ट के लिए जो टर्न्स देंगे वो हम यहाँ पर देंगे 14 टर्न, मतलब कि 14 टर्न 12 वोल्ट के लिए हम देंगे। दोस्तों अब हम दोस्तों ये जो 48 वोल्ट है इसमें हम कितने टन देंगे, तो यहाँ पर जो हम टन देंगे वो हम देंगे 60 टन, मतलब कि 60 टन हम 48 वोल्ट के लिए टन्स देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी था टन्स वो क्लियर हो गया है। चलिए अब हम जानते हैं इसका कि इसमें कोर नंबर क्या रहेगा और बॉबिन साइज क्या रहेगा, और इसमें जो मेन चीज़ है और जो खास चीज़ है अब जो यहाँ पर जानने वाली चीज़ है वो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, मतलब कि यहीं पर आपको बहुत एक अच्छी तरीके से समझना है कि मैं क्या चेंजिंग करवाऊँगा और क्या चेंजिंग नहीं करना है आपको यहाँ पर। तो दोस्तों हम जो कोर नंबर जो इसमें यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 7 नंबर की कोर और 3.5 इंच का इसके अंदर बॉबिन साइज, मतलब कि 3.5 इंच का बॉबिन का स्ट्रेक रहेगा। दोस्तों अब हम दोस्तों बॉबिन कोर क्लियर हो गया है, अब यहाँ पर जो है मेन चीज जो आ रही है वो है हमारा वायर गेज। दोस्तों अब वायर गेज को यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों अब दोस्तों सबसे पहली चीज आ रही है कि अगर आपके पास मशीन है
तो दोस्तों यहाँ पर आप प्राइमरी में जो वाइंडिंग के लिए जो आप यूज करेंगे वायर गेज, वो आपका रहेगा 15 नंबर का। मतलब कि अगर मशीन है आपके पास, अगर मशीन है तब आप 15 नंबर का यूज करेंगे दोस्तों। अगर बल्कि अगर आपके पास मशीन नहीं है दोस्तों, तो आप 15 नंबर का नहीं, बल्कि आप यहाँ पर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे 16 नंबर का दोस्तों। अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो आप 16 नंबर, अगर वही आप अगर मशीन से बना रहे हैं तो आप 15 नंबर दोस्तों। अब हम दोस्तों प्राइमरी का तो वायर गेज हमारा क्लियर हो गया है, चलिए अब हम सेकेंडरी का क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी 12 वोल्ट की जो सप्लाई है और जो यहाँ पर हम जो वायर गेज चलाएंगे, वो हम चला सकते हैं दो तरीके से। पहला कि हम चाहे तो 24 नंबर से भी इसकी यहाँ पर वाइंडिंग कर सकते हैं, दूसरा कि हम 25 नंबर से भी कर सकते हैं, और तीसरा कि हम 26 नंबर से भी कर सकते हैं। तो आपको तीन वायर गेज में से अगर आपके पास जो भी वायर गेज हो, 24 हो डाल दीजिए, 25 हो डाल दीजिए, या फिर 26 हो तो डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट का भी क्लियर हो गया, चलिए अब जो हमारा मेन है वो है 48 वोल्ट। अब 48 वोल्ट में कौन सा ऐसा वायर गेज रहेगा और इसमें क्या चेंजिंग हमें करना है या तो नहीं? दोस्तों हम जो सेकेंडरी में 48 वोल्ट के लिए जो हम वायर गेज यूज करेंगे, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे 11 नंबर का दोस्तों। मशीन है आपके पास तो आप प्राइमरी में 15 नंबर प्लस और 11 नंबर से वाइंडिंग आराम से इजीली कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें अपनी हाथ से बनाने की, तो दोस्तों आप प्राइमरी वाइंडिंग में 16 नंबर प्लस सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो वही 11 नंबर से हम वाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑटोमेटिक का पूरा एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है और आपका भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि मैनुअल का अगर बनाना हुआ हमको, तो हम कैसे करके क्या करेंगे, चलिए इसके ऊपर हम बिल्कुल बारीकी से क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों यह है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, जो कि यह है प्राइमरी वाइंडिंग और यह है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों यह है प्राइमरी वाइंडिंग का जीरो वाला लूप और यह है दोस्तों हमारी पहली लूप, जो कि है ये 150 वोल्ट की, 150 वोल्ट की दोस्तों। दोस्तों दूसरी लूप है हमारी, जो कि है हमारी 167 वोल्ट की, मतलब कि 167 वोल्ट की दोस्तों। दोस्तों तीसरी लूप है जो कि है हमारी 184 की, मतलब कि 184 वोल्ट की दोस्तों। जो कि चौथी लूप है हमारी वो है 201 की, मतलब कि 201 वोल्ट की, और जो कि हमारी पांचवी लूप है वो है 218 वोल्ट की। जो कि दोस्तों हमारी छठी लूप है वो है हमारी 235 वोल्ट की, मतलब कि 235 की दोस्तों। दोस्तों जो कि हमारी सातवीं वाली जो लूप है वो है हमारी 252 वोल्ट की, मतलब कि 252 वोल्ट की दोस्तों। जो कि हमारी लास्ट वाली जो लूप है वो है हमारी 270 वोल्ट की, मतलब कि 270 वोल्ट की दोस्तों। ये है हमारे 0 वोल्ट और ये है हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों, जो कि हमारी फैन के लिए है दोस्तों। दोस्तों ये है हमारी 0 वाली लूप और ये है हमारी 48 वोल्ट की वाइंडिंग दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब हम चलिए जानते हैं इसके टर्न्स के, इसमें टर्न्स कितने कितने आने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर क्लियर हो रही है और आपका भी क्लियर होता हुआ आ रहा है। चलिए यहाँ पर जो हम दोस्तों टर्न्स देंगे 150 वोल्ट के लिए, वो यहाँ पर हम देंगे 161 टर्न, मतलब कि 161 टर्न दोस्तों। दोस्तों जो कि दूसरी लूप में जो हम टर्न देंगे वो हम देंगे 18 टर्न। इसी तरीके से जितनी हमारी लूप निकली हुई हैं दोस्तों, हम 18 टर्न देकर और लूप अपनी निकालते रहेंगे। 18 टर्न देंगे लूप निकाल देंगे, 18 टर्न देंगे लूप निकाल देंगे, इसी तरीके से हम 18 देकर और अपना लूप निकालते रहेंगे दोस्तों। दोस्तों सभी प्राइमरी वाइंडिंग में हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। हमारा समय दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न्स क्लियर हो गया है यहाँ पर। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों 12 वोल्ट के लिए, तो 12 वोल्ट के लिए हम वही टर्न देंगे जो कि हमने ऑटोमेटिक में दिए थे दोस्तों। टर्न कितने के 14 टर्न दोस्तों, 14 टर्न पे हम एक सप्लाई अपनी निकाल देंगे दोस्तों। वही अगर बात करें 48 वोल्ट वाले की, तो वही बार हम 60 ही टर्न देंगे दोस्तों। यहाँ पर ये टर्न्स और वोल्टेज बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए अब हम जानते हैं इसका
कोर और बॉबिन, और फिर इसका जानेंगे प्राइमरी सेकेंडरी का वायर गेज दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम कोर नंबर जो यूज करेंगे वो हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों 7 नंबर का, मतलब कि 7 नंबर का वही कोर रहेगा जो कि हमने ऑटोमेटिक में क्लियर किया था दोस्तों। और वही अगर हम बात करें बॉबिन साइज की, तो बॉबिन साइज भी दोस्तों इसमें वही रहने वाला है जो कि हमने ऑटोमेटिक में दिया था 3.5 इंच का दोस्तों। दोस्तों अगर वही हम बात करें प्राइमरी वाइंडिंग में वायर गेज की, तो यहाँ पर हम चेंजिंग कर रहे हैं 16 नंबर पर दोस्तों, मतलब कि 16 नंबर का यहाँ पर आपको डालना है दोस्तों। और दोस्तों अगर वही बात करें सेकेंडरी में हम अपनी 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए, तो वही आप यहाँ पर 24 से लगाकर 26 तक में यूज कर सकते हैं, 24, 25, 26 में से आप इन तीनों में से कोई सा भी एक वायर गेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों फिर वही बात करें हम सेकेंडरी वाइंडिंग अपनी 48 वोल्ट के लिए, तो यहाँ पर वही आप 11 नंबर का ही यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 16 11 से आप आराम से चाहे हाथ से बनाएं और चाहे तो फिर आप मशीन से बनाएं, आराम से इजीली बिल्कुल बारीकी तरीके से बना सकते हैं, कोई भी ऐसी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने डाटा जो क्लियर किए हैं वो ये हैं दोस्तों, ई रिक्शा बैटरी चार्जर 48 वोल्ट 20 एम्पियर प्लस मैनुअल का भी हमने यहाँ पर क्लियर किया है, प्लस और ऑटोमेटिक का भी यहाँ पर हमने क्लियर किया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका यहाँ पर एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से क्लियर किया है और आपका भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा आपको, तो एक वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं बिल्कुल बारीकी से क्लियर करना चाहूँगा कि अगर इसमें कुछ भी अधूरा कर ऐसा रह गया हो तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों अपनों का क्या लगेगा। दोस्तों एक चीज मुझे और बताकर जाना, क्या अगर आप मेरी कंटिन्यूस वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर प्यार से एक बार बताकर जाना दोस्तों कि मैं देखता हूँ या फिर नहीं देखता हूँ। तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर, बाय।